अंधेरी चल आ जा, मैं आके एक भव्यता ही बहुत अलग है, मूर्ति इतनी सुंदर है कि मेरी आंखें ही नहीं हट रही हैं मूर्ति से, बहुत अच्छा लगा। और धूप आरती के टाइम में यहाँ पे आ पाई और आज बहुत अच्छा दिन था आने का। और सुबह सुबह आज मेरा ट्रेलर भी रिलीज हुआ है आने वाले गाने का, तो पहले तो गुड विशेस लेना चाहती थी, थैंक यू करना चाहती थी बप्पा को कि बप्पा की कृपा से ही इतना कुछ हो रहा है, नया शो भी साइन कर दिया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। बस ये आशीर्वाद लेके बस अब शूटिंग पे जाना चाहती हूँ। गणेश चतुर्थी की अगर मैं बात करूँ, कोई यादें आपकी बचपन की, कोई यादें? बहुत बहुत यादें हैं, जब बचपन में अपने कंधे पे उठा के गणपति बप्पा को लेके आते थे, छोटे हमसे बड़े बप्पा होते थे, हम इतने छोटे छोटे होते थे, तो वो यादें बहुत प्यारी हैं। और आज बप्पा मुंबई में हूँ और बप्पा के दर्शन कर पा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बप्पा जैसे बप्पा तो कहीं भी नहीं है। इस साल की अगर मैं लग रहा है काफी अच्छा गया जी 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 जी, बिग बॉस ओटीटी या फिर उसके बाद जो भी आए अविनाश और इतने सारे गाने, रियलिटी शो, क्या कुछ कहना चाहूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत अच्छा। लास्ट ईयर भी आशीर्वाद लेके गई थी बप्पा को और बप्पा ने आशीर्वाद दिया, बहुत ही अच्छा गुजरा साल मेरा। रियलिटी शो हो, अभी दो शो साइन कर दिए हैं और बहुत ही जल्द बस एक हफ्ते में शूट स्टार्ट है, तो बस थैंक यू कहना चाहती थी। आज ट्रेलर रिलीज हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, दो दिन में गाना भी रिलीज है, तो बहुत अच्छा बप्पा ने मेरा साथ दिया है, बस आगे भी ऐसे ही साथ दें, एंड थैंक यू। एंड मुझे लगता है जब से पार्वती बनी बप्पा का ऐसा आशीर्वाद था तब से कि बस बप्पा ने फिर तब से साथ नहीं छोड़ा, तो मेरा एक पुत्र माता वाला रिश्ता भी है बप्पा के साथ, तो बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ पे आई। जी है, तो क्या प्लान्स हैं उनसे मिलकर करने का? बिल्कुल, अब मुंबई आए हैं तो पूरी कोशिश रहेगी कि अभिषेक से मिलूं, बट वो इतनी जल्दी आते हैं और इतनी जल्दी में चले जाते हैं कि उनके प्लान्स काफ़ी कम बनते हैं। आई सो विश वो भी यहाँ पे आते हैं और बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, बट दो ही दिन रह गए हैं, तो आई होप उनका स्केड्यूल इतना टाइट रहता है कि उन्हें मिले, और मुंबई के बप्पा के दर्शन तो अभिषेक आपको करने ही चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और उनका सॉन्ग पायल देव के साथ है जिनके साथ मेरा लास्ट सॉन्ग था, बहुत बहुत फेवरेट है मेरी, बहुत अटैचमेंट है मुझे पायल देव के साथ, तो बहुत खुश हूँ। और नज़र ना लगे सॉन्ग को उनके, नज़र ना लगे किसी की, एंड ऑल द बेस्ट मनीषा, बस ऐसे ही रॉक करते रहो, और आपके आपको भी बप्पा का बहुत सारा आशीर्वाद। आप क्या कहना चाहिए, आकांक्षा जी आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कितनी अच्छी बात है, कितनी ब्लेस्ड बात है आपके लिए, आपके मंडल के लिए? अभी बप्पा को और उनका जो रिश्ता है उनको ये पता है, मगर हम चाहते हैं कि हर जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो जनरल लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड के भी लोग भी यहाँ पर आते हैं, तो उनका सभी का मन्नत पूरी, वो देश को शांति में रहने दे, सबको अच्छे काम मिले, कोरोना का ऐसा सिचुएशन ना हो मुंबई या महाराष्ट्र या देश भर में, तो इनका काम भी चलेगा, और अपना जो बप्पा का जो दोष है, हम लोग को दर्शन नहीं दे सकता लोगों के लिए, कोई बात नहीं, आपने पूरा कवर अप कर लिया, इतने दर्शन हो गए हमारे कि हमें अब वो याद भी नहीं है कि दो साल हम लोग नहीं कर पाए दर्शन। इसके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि आकांक्षा भी जो मन्नतें मांगी है वो कैरियर में और आगे, थैंक यू मन्नत है बप्पा पूरा करे, और हर समय यहाँ पर उनका दस्तक लगाने को बप्पा का चरण में जरूर आए। जब तक अंधेरी चल राजा यहाँ पे रहेंगे मैं आती रहूंगी और हर साल आशीर्वाद लेके ही जाऊंगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया।